अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर नीर राज कहता था क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इनमे आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज 21 अप्रैल 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट वर्थ 41,100 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर रिकैप देता चलूँ BTC का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि BTC के जो रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं वो सबसे पहले 41,500 डॉलर्स के ऊपर, फिर इसके बाद 42,000 डॉलर्स का लेवल BTC के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। वैसे ही हुआ है, BTC की वैल्यू यहाँ पे 41,500 डॉलर्स के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और फिर BTC की वैल्यू 42,100 डॉलर से दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक की है। और अगर आप लोग दोबारा से देखें तो इस वक्त BTC दोबारा से 41,000 डॉलर के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और अगेन अब जो रेजिस्टेंस लेवल है BTC का वो है 41,500 डॉलर के ऊपर। तो BTC का जो एनालिसिस है वो सेम एज यस्टरडे ही है। जब तक कि BTC 40,000 डॉलर से अबव है तब तक हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल अगेन इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन से नीचे बंद नहीं कर रहा तो तब तक हम लोग बुलिश ही हैं BTC को लेके। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल इससे नीचे भी बंद कर लेता है तो वो एक बेयर ट्रैप हो सकता है, वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल इससे नीचे बंद नहीं हो रही। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे कैंडल बंद होगी तो अगेन हम लोग BTC को 37,500 डॉलर के लेवल तक देख सकते हैं। तो अगर कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूँ, अगेन BTC का सपोर्ट लेवल है 41,000 डॉलर के ऊपर, करंट रेजिस्टेंस लेवल है 41,500 डॉलर के ऊपर। 41,500 डॉलर के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर 42,000 डॉलर के ऊपर BTC की रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर 41,000 डॉलर के सपोर्ट लेवल को BTC तोड़ता है तो फिर 40,500 और फिर इसके बाद 40,000 डॉलर और फिर उसके बाद नीचे तक 39,700 डॉलर या 800 डॉलर का लेवल भी BTC के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग BTC इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों का आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है BTC के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है BTC की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं सिक्वेंस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एटम कॉस्मोस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड वर्थ 24.25 डॉलर के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है 23.8 डॉलर के ऊपर, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25.1 डॉलर के ऊपर। और इसका जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल है 25.12 डॉलर का लेवल, वहाँ से काफ़ी एग्रेसिव रिटर्न दिखाया है यहाँ पे एटम ने। और अब एटम की वैल्यू दोबारा से उसका जो सा सपोर्ट लेवल है 23.8 डॉलर का लेवल वहाँ तक वापस आ रही है। और एक शॉर्ट जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे एटम का वो बनता है 24.3 डॉलर के ऊपर, लेकिन क्योंकि करंट कैंडल 24.3 डॉलर से नीचे चल रही है तो देयर मैक्सिमम चांसेस के हम लोग 23.8 डॉलर का जो सा उसका मेजर सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आता हुआ देखें एटम को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके बाद सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो अब ये दोबारा से 21 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आ गया है। और अगर ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो अगर 24.3 डॉलर से नीचे बंद होती है, क्योंकि 24.3 डॉलर के ऊपर 21 मूविंग एवरेज की लाइन भी आ रही है, तो 24.3 डॉलर से अगर नीचे बंद होती है तो हम लोग अगेन इसको इसका जो सा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है वहाँ तक देखेंगे। और फिर 24.3 डॉलर का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर सकता है यहाँ पे एटम के लिए। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे एटम के ऊपर। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं इसका जो सा ये करंट रेजिस्टेंस लेवल है ये एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशो है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी एग्रेसिव रेजिस्टेंस है यहाँ पे एटम के लिए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जब से एटम की वैल्यू इस लेवल से नीचे आई है, मतलब कि 11th ऑफ अप्रैल से, तब से लेके अब तक भी इस लेवल को ये तोड़ नहीं सका है। और जब भी इस लेवल को इसने टेस्ट किया है एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर, वहाँ से काफ़ी एग्रेसिव रेड रन ही दिखाया है एटम ने। तो अगेन इसके मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग एटम को 23.8 डॉलर के लेवल तक देखेंगे। अब इसके ऊपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 23.9 डॉलर के ऊपर, और आप लोगों का एक्सिट टारगेट है 25 डॉलर के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, अगेन ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, तो आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा 26.5 डॉलर के ऊपर। और अगर ये 23.8 डॉलर की भी सपोर्ट है और कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 23 डॉलर के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 24.5 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है 25.8 डॉलर के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपने नेक्स्ट ट्रेड लेके यहाँ पे एटम के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं BSW मतलब कि बाई स्वैप के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड वर्थ 1.19 डॉलर के ऊपर। और इसके ऊपर ये वीडियो में कुछ देर के बाद बना लगा, प्रीवियसली जब ये
रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और तब भी हमारे कुछ टारगेट्स जो से थे वो हिट हो गए थे और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हो गया था यहाँ पे BSW के ऊपर से। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 31 मार्च से काफ़ी अग्रेसिव ग्रीन रन दिखाया है यहाँ पे BSW ने, और BSW ने अपना जो सा ऑल टाइम हाई बनाया है वो बनाया था 2.16 डॉलर्स के ऊपर। और उसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स थे उन तमाम को तोड़ दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेता हूँ ताकि बाद में ईजिली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूँ यहाँ पे BSW मतलब के 22 स्वैप के ऊपर। तो BSW का जो करंट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तक 1.17 डॉलर्स के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे तक 1.26 डॉलर्स के ऊपर, जो कि अभी भी ऐसा रेजिस्टेंस जब वैल्यू से अबव होती है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता है 1.26 डॉलर्स का लेवल। और अगर 1.26 डॉलर से अबव चले जाती है यहाँ पे BSW की वैल्यू तो फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल तक 1.35 डॉलर्स के ऊपर, क्योंकि ये भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे BSW के लिए। और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन 1.48, और 1.48 डॉलर्स के बाद तकरीबन 1.6 डॉलर्स के ऊपर भी रेजिस्टेंस बनेगी BSW के लिए। और लास्ट जो सपोर्ट लेवल लगाया है वो लगाया था 0.99 और 1 डॉलर्स के ऊपर स्पेसिफिकली। अगर 1 डॉलर से नीचे चली जाती है BSW की वैल्यू तो फिर 0.916, और फिर उसके बाद तकरीबन 0.82 डॉलर्स के ऊपर सपोर्ट लेवल्स बनेंगे BSW के। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर BSW। और BSW को अगर आप लोग देखें तो इस लेवल के ऊपर ये एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है, और इसका जो सा सपोर्ट लेवल है अगेन 1.17 डॉलर्स का लेवल इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर तो 1.17 डॉलर्स का सपोर्ट लेवल होल्ड करके रखता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि काफ़ी अच्छा पंप आएगा BSW के ऊपर। BSW की वैल्यू कितना ऊपर जा सकती है उसके बारे में अगर बताता चलूँ तो तकरीबन इतना ही वॉल्यूम दोबारा से आएगा BSW के ऊपर, और हम लोग देखेंगे कि उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 1.48 डॉलर्स का लेवल, वहाँ तक अभी भी जाने के चांसेस हैं वैल्यू के BSW की। और अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 1.17 डॉलर्स का जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखे, और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे कोई भी कैंडल अपनी बंद ना करे। और अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता चलूँ, दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कॉइंस जो कि इस वक्त तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है, और 21 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज की जो लाइन्स हैं वो अपने लेवल के ऊपर है। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो 1.18 डॉलर्स के ऊपर भी इसकी सपोर्ट बनती है, क्योंकि यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज की लाइन बनती है BSW की। तब तो इसके ऊपर एंट्री एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा तो 1.18 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 1.25, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है 1.34 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये 1.17 डॉलर्स के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है 1.112 डॉलर्स के ऊपर, पहला एक्सिट टारगेट है 1.19, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 1.3 डॉलर्स के ऊपर। इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे BSW मतलब कि 22 स्वैप के ऊपर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सेलर के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन 0.05 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 0.05 डॉलर्स के ऊपर एग्जैक्टली, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा सेलर का वो बनेगा तकरीबन 0.052 डॉलर्स के ऊपर, कि जिसको रिसेंटली इसने दोबारा से तोड़ा है और इसकी वैल्यू नीचे की तरफ आई है। और सेलर के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बना लगा, लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर मार्च के शुरू के ऊपर वीडियो बनाई थी और तभी हमारे जो टारगेट्स थे वो हिट हो गए थे, और एक छोटा सा प्रॉफिट जो है वो हमारा जनरेट हुआ था सेलर के ऊपर से। उसके बाद जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये भी वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो के ऊपर लगाए थे, अभी भी उन्हीं के दरमियान में सेलर ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 100 और 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आ गया है, और करंटली ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो इसका सपोर्ट लेवल 0.5 डॉलर से अबव बंद हो जाती है तो ये एक अच्छा साइन होगा। हम लोग देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए 100 और 200 मूविंग एवरेज की लाइन को मतलब कि 0.52 डॉलर के लेवल को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करेगा, लेकिन अगर कोई भी कैंडल 0.5 डॉलर से नीचे बंद नहीं होगी तो फिर बहुत जल्द एक अच्छा पंप आएगा यहाँ पे सेलर के ऊपर, और सेलर की वैल्यू डेफिनेटली अबव जाने के चांसेस अभी भी हैं, और इसकी वैल्यू अबव जाएगी तकरीबन 0.057 वाले जो सा इसका रेजिस्टेंस लेवल है या 0.061 डॉलर्स का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है
वहां तक इसकी वैल्यू अभी भी जाने के चांसेस हैं। तो करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशियो है। तो एक तो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो, फिर इसके बाद 100-200 मूविंग एवरेज की लाइन भी तकरीबन तकरीबन इसी लेवल के ऊपर आ रही है। तो 0.52 डॉलर्स का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस होने वाला है यहाँ पे सेलर के लिए। और यहाँ से हम लोग अगेन जब इसकी वैल्यू इस तक लेवल तक जाएगी, वहाँ से दोबारा से रिटर्न दिखाने के चांसेस होंगे सेलर की तरफ से। तो सेलर के ऊपर अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा सेलर के ऊपर वो बनेगा तक 0.505 डॉलर्स के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.524, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, और अगेन ये आप लोग की अपनी मर्जी होगी, तो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.0546 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये 0.05 डॉलर्स के सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन 0.048 डॉलर्स के ऊपर। पहला एक्सिट टारगेट 0.05 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है 0.052 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपने नेक्स्ट ट्रेड लेंगे सेलर के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर, जो कि इस वक्त 2476 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो कुछ देर के बाद बना रहा हूँ यहाँ पे शिबा इनू के ऊपर। प्रीवियसली जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो मेरे एंट्री पॉइंट के बाद तो कुछ रेड रन आया था यहाँ पे शिबा इनू के ऊपर, लेकिन उसके बाद एक काफ़ी अच्छा पंप भी आया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कुछ लोगों ने जनरेट किया होगा शिबा इनू के ऊपर से तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर ही। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है यहाँ पे शिबा इनू के ऊपर से। और उसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, अगेन अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाते हुए इसके ऊपर लगाए थे। तो करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहे थे 24.7 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है शिबा इनू का वो है 25.7 के ऊपर, जिसके ऊपर से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा। और प्रीवियसली ये वाला लेवल है काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है शिबा इनू के लिए। और अगर शिबा इनू 24.7 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर 24.1 के ऊपर उसका एक सपोर्ट लेवल बनेगा। और अगर इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप लोगों को कौन करके दिखाता चलूँ, सबसे पहले तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि इसके तमाम मूविंग एवरेजेस एक ही लेवल के ऊपर है तकरीबन, और अब ये तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो अगेन इससे नीचे बंद होती है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर के जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखेंगे शिबा इनू को दोबारा से। और मैक्सिमम चांसेस है कि उसको हम लोग 24.11 या 23.60 का जो सा उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक भी देखें। तो अब इसके ऊपर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है वो अगर 24.70 से अबव बंद करता है तो आप लोग एंट्री लेंगे तो 24.8 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 25.6। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 26.2 के ऊपर। लेकिन अगर करंट कैंडल 24.7 से ऊपर बंद नहीं करता है, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है 2400 के ऊपर एक्जैक्टली। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 2500, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एक्सिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन 2650 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जो सा है वो जनरेट कर लेंगे शिबा इनू के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं BNB मतलब बाइनेंस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड कर रहा है 416 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका जो सपोर्ट लेवल था 418 डॉलर्स, उसको तोड़ दिया है और अभी तक काफ़ी अग्रेसिवली उससे नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर ये रेड रन कंटिन्यू रहता है तो हम लोग इसको 412 डॉलर्स का जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आता हुआ भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद उसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो पहले बनेगा 418 डॉलर्स के ऊपर, और फिर इसके बाद 428 या 430 डॉलर्स का लेवल भी एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे बाइनेंस के लिए। और बाइनेंस के ऊपर भी ये वीडियो में कुछ देर के बाद बना लगा, प्रीवियसली भी जब वीडियो बनाई थी तो हमारा एक ही टारगेट हमारा ही 2 था, और तकरीबन 7 से 8% तक का प्रॉफिट भी हमारा जनरेट हो गया था, और तकरीबन इसी लेवल के ऊपर बाइनेंस तब भी ट्रेड हो रहा था। तो अब इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अब ये दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। इसकी भी मूविंग एवरेजेस की जो लाइंस है वो तकरीबन एक ही लेवल के ऊपर है। करंटली 200 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन 416 डॉलर्स, अगेन अभी भी उससे नीचे चल रहा है। और अगर ये अपनी जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर 416 डॉलर से नीचे बंद हो रही है, तो आप लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से 412 डॉलर का जो सा उसका सपोर्ट लेवल है वहाँ तक डेफिनेटली तौर पर वापस आएगा।
अब इसके ऊपर अगर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो $416 से नीचे कैंडल बंद हो जाती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तो $412 के ऊपर, आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तो 420, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तकरीबन $430 के ऊपर। और अगर ये $412 के भी सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तो $406 के ऊपर, पहला एग्जिट टारगेट है तो 415, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है तो 428 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और उसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स और टोकन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।